नमस्कार, आप देख रहे हैं दूर देहात न्यूज में आपके साथ पलक। तेल की कीमतों ने फिर छुआ आसमान। दिल्ली में पेट्रोल 104 और मुंबई में 110 के प्रति लीटर पार। इस समय देश में पेट्रोल 100 रुपए के पार हो चुका है, वहीं कई राज्यों में डीजल 20 शतक लगा चुका है। तेल और पेट्रोल की कंपनियों ने आज रविवार यानी 10 अक्टूबर को लगातार छठे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 104 रुपए और मुंबई में 110 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। दिल्ली में पेट्रोल आज 30 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 104 रुपए 14 पैसे हो गया है और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 92 रुपए 82 पैसे हो गया है। मुंबई में पेट्रोल 29 पैसे बढ़कर 110 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर हो गया और डीजल 37 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 106 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल का दाम बढ़कर 104 रुपए 80 पैसे हो गया है और डीजल 95 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर हो गया है। चेन्नई में पेट्रोल 101 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर हो गया है और डीजल 97 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पेट्रोल अब तक 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक है। इसके अलावा बता दें कि राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो चुका है। पेट्रोल की कीमतों में 5 सितंबर से स्थिरता बनी हुई थी, लेकिन तेल की कंपनियों ने आखिरकार पिछले हफ्ते अपने पंप की कीमतें बढ़ा दी और इस हफ्ते उत्पाद की कीमतों में तेजी आई। देश भर में भी पेट्रोल और डीजल में 30-40 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है, लेकिन राज्य में स्थानीय करों के स्तर के आधार पर उनकी खुदरा दरें भिन्न है। देश में तेल की कीमतें इस साल अप्रैल से किसकी खुदरा दरों में 41 वृद्धि के कारण रिकॉर्ड समय मंडरा रही है। ये कुछ मौकों पर गिरा लेकिन काफी हद तक स्थिर रहा। ऐसी तमाम खबरों की जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना। धन्यवाद।